मैं गया था दिल्ली में और ये बात सही है कि तय हुआ था कि भोपाल में ये बैठक होगा अक्टूबर में, लेकिन अभी तय जरूर हुआ है कि 5-6 जगह रैली मुख्यमंत्री जी ने सुझाव दिया था मीटिंग में कि आप लोग स्टेट वाइड कमेटी बना दीजिए और अक्टूबर तक। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी है और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा, इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा, सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ इन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। लैंड फॉर स्कैम मामले में आज कोर्ट के द्वारा तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी सहित 17 लोगों को समन जारी किया गया है। 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का कहा गया है। अभी मुझे डिटेल नहीं पता है इसका, आप जानकारी दे रहे हैं और इस पर कोई कमेंट करना क्योंकि जुडिशियल मैटर है, सब जुडिस है, कोर्ट में है, मेरे लिए उचित नहीं है। एक बार समझ ले क्या बात है, तभी पार्टी के जो ऑफिशियल लाइन है उस पे बयान दिया जाए। कल बैठक जो थी, रैली जो थी भोपाल की, जब मैं गया था दिल्ली में और ये बात सही है कि तय हुआ था कि भोपाल में ये बैठक होगा अक्टूबर में, लेकिन अभी जानकारी मिली कि उसको उन लोगों ने टाल दिया है, लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से अगला जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होगी, क्योंकि मैं कैंपेन कमेटी में हूँ, कैंपेन कमेटी में ही ये बात हुई थी कि 5-6 जगह ये रैली किया जाएगा, तो मेरे ख्याल से नया डेट और नया जगह जो भी तय करना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो एक फैक्टर है कि चुनाव है। अब हम लोगों को नहीं पता कि कांग्रेस के अलावा और कौन लोग लड़ रहे हैं, तो जहां चुनाव अभी नहीं है विधानसभा का, तो वहां पर तय हो ये ज़्यादा बेटर होगा। तो मुझे लगता है अगले मीटिंग में कुछ ना कुछ इसका फाइनल रास्ता निकलेगा, जल्दी तय हो जाएगा मीटिंग। आने वाले समय में निश्चित रूप से पटना में भी होगा, लेकिन अभी कोई लोकेशन तय नहीं है, लेकिन ये तय जरूर हुआ है कि 5-6 जगह रैली इंडिया का होगा। कहाँ होगा, कब होगा, क्या होगा, आने वाले टाइम में। सीट शेयरिंग का जो मसला है, क्या वो स्टेट जो चुनाव है, बिल्कुल ये नहीं, ये अब मुझे ये मैंने स्टेटमेंट देखा है अखबार में कांग्रेस के CWC मीटिंग को लेकर के, लेकिन जो तय हुआ था, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टाइम एंड अगेन मीटिंग में कहा है कि भाई इसको तय करना है सीट वाला, तो स्टेट के अंदर कमेटी बना करके हर एक स्टेट में एक कमेटी हो और वहाँ पर जो स्टेट में जो पार्टी वहाँ पर है उन्हीं को ज़्यादा आइडिया है। दिल्ली में बैठ के कैसे पता कि बिहार में क्या सीट शेयरिंग हो, तो मुख्यमंत्री जी ने सुझाव दिया था मीटिंग में कि आप लोग स्टेट वाइड कमेटी बना दीजिए और अक्टूबर तक तय कर दीजिए सीट शेयरिंग की बात जो है, और उसके बाद अभियान शुरू हो जाना चाहिए। ये उन्होंने सुझाव दिया था जब मुंबई के मीटिंग में भी और बेंगलोर के मीटिंग में भी, उसके बाद अभियान शुरू हो जाए इंडिया का। लेकिन अब मुझे क्योंकि लास्ट जो मीटिंग तय हुआ था कोऑर्डिनेशन कमेटी का दिल्ली में, उसमें ये हुआ कि स्टेट वाइड जल्दी तय हो जाए। महाराष्ट्र में उन लोगों ने शायद मूवमेंट भी शुरू कर दिया है, तो अभी यही तय है कि हर एक स्टेट में जो 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 पार्टी वहाँ चुनाव लड़ने वाली है, जिनका अस्तित्व है, वहाँ कमेटी बना करके सीट शेयरिंग वहाँ तय कर ले। कुछ जगह जहाँ कन्फ्यूजन होगा, कुछ और बात होगी, तो फिर उसका रास्ता कोऑर्डिनेशन कमेटी में बैठ के लोग तय करेंगे उसका कैसे रास्ता। लेकिन कांग्रेस तो स्टेट इलेक्शन के बाद चाह रही है, कांग्रेस तो CWC की जो बैठक, अब वो तो कांग्रेस बताएगी, लेकिन हम लोग ये चाह रहे थे और हमारे नेता ये चाह रहे थे कि अक्टूबर तक सीट शेयरिंग तय हो जाता तो बेहतर रहता। बात कैसे, तो सब अपना अपना सुझाव देता है वहाँ पर, सबका अपना अपना सुझाव होता है जब मीटिंग होती है, और उनकी ये जरूर उनके इसमें था कि अक्टूबर तक हो जाएगा तो उसके बाद अभियान हम लोग तय कर लेंगे। तो ये सीरियसनेस है इंडिया के, उसमें जो कोऑर्डिनेशन का टीम संयोजक कब तक बन पाएंगे, क्या लगता है? अब ये तो संयोजक की बात तो कभी अभी आई नहीं है इसमें। बीजेपी के सांसद रमेश भिदुड़ी, आप साफ तौर पर सुन रहे थे बिहार सरकार के मंत्री संजय झा को, इन्होंने कहा कि अभी 5-6 जगह और बैठकें होनी है, अभी लोकेशन और समय तय नहीं किया गया है। सीट शेयरिंग को लेकर भी इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बार बार हमेशा कहते रहे हैं कि सीट शेयरिंग का जो मसला है वो पहले सुलझा लिया जाए। इसी तरह के तमाम वीडियो के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर, मेरे सहयोगी विष्णु के साथ, मैं सदन जी पटना।